वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों गुड इवनिंग गलती से बोल दिया क्योंकि रोज शाम को क्लास लेने की आदत है आज से मेरी एक मॉर्निंग क्लास आ रही है और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये जो क्लास है इलेवेंथ जे को ध्यान में रखते हुए है इलेवेंथ जे आने वाला है और उसमें आप सभी को झारखंड जीके का महत्व पता है जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में झारखंड जीके का जो महत्व होता है वो साठ प्रश्नों का होता है साठ प्रश्नों का होता है साठ प्रतिशत अंकों का होता है लगभग ठीक है जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सौ प्रश्न झारखंड जीके के पेपर टू में पूछे जाते हैं और पेपर वन में भी दस प्रश्न पूछे जाते हैं यानी टोटल मिला करके एक सौ दस प्रश्न झारखंड जीके से पूछे जाते हैं तो इस सब्जेक्ट का जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कितना महत्व है ये आप लोग समझ सकते हैं चार सौ नंबर में से दो सौ बीस नंबर का प्रश्न झारखंड जीके से पूछा जाता है तो इसलिए झारखंड जी के पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और ना केवल जरूरी है यह आपके रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बना सकता है ठीक है तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं वेरी गुड मॉर्निंग सभी को आ, सभी लोग जो लोग लाइव जुड़ गए हैं महेश्वर जी निशिमा जी नाजिया शोनल रूबी सभी को गुड मॉर्निंग ठीक है तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं सर पेन पेन दीजिए ना उधर होगा शुरू किया जाए तो जो सिलेबस है सिलेबस पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और एक बार फिर से हम बीच में कर देंगे सिलेबस पर चर्चा आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो हम शुरू कर रहे हैं झारखंड का सामान्य परिचय और इस टॉपिक पे लगभग तीन से चार क्लासेस चलेगी ठीक है सामान्य परिचय में हम लोग झारखंड के जो भौगोलिक परिचय है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय झारखंड का राजनीतिक परिचय प्रशासनिक परिचय राजकीय चिन्ह इन सब चीजों पर बात करेंगे इस फर्स्ट चैप्टर में और पहला जो चैप्टर है इसमें तीन चार वीडियोज आएंगे लाइव सेशन आएंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर का पूरा एम सी क्यू करवाएंगे देन आगे के चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे ठीक है तो आज का टॉपिक है दोस्तों पहला टॉपिक जिसका नाम है झारखंड का सामान्य परिचय झारखंड का सामान्य परिचय ठीक है इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करिए मेरी आवाज आप तक प्रॉपर पहुंच पा रही है ना जी झारखंड जीएस के बैच में बिल्कुल योद्धा बैच में भी ये लाइव चल रहा है और आगे की क्लासेस सभी लाइव चलेगी ऐप में ही ठीक है ये क्लासेस यूट्यूब पर डेमो क्लास के रूप में दिया जा रहा है तो देखिए झारखंड के सामान्य परिचय में हम लोग एक एक करके बात करेंगे हम लोग इसको चार भागों में डिवाइड करेंगे ठीक है इसमें हम लोग झारखंड के भौगोलिक परिचय को देखेंगे भौगोलिक परिचय को देखेंगे इसमें हम लोग झारखंड के प्रशासनिक परिचय को देखेंगे इसमें राजनीतिक परिचय भी देखेंगे और हम लोग इसमें ऐतिहासिक परिचय भी देखेंगे इसमें ऐतिहासिक परिचय भी देखेंगे ठीक है एक एक करके हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं सबसे पहले आपको यह पता होगा दोस्तों पहले से भी आपने पढ़ के रखा होगा कि 2000 हजार ईस्वी से पहले झारखंड राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था 15 नवंबर 2000 हजार ईस्वी के बाद झारखंड राज्य अस्तित्व में आता है और बिहार राज्य का 46 प्रतिशत जो दक्षिणी हिस्सा है उसको अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है ठीक है बिहार राज्य का जो 46 प्रतिशत दक्षिणी हिस्सा है उसको अलग करके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है यानी झारखंड राज्य का अस्तित्व कब से है राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 हजार ईस्वी से झारखंड राज्य का अस्तित्व है उससे पहले झारखंड बिहार का हिस्सा था झारखंड बिहार के दक्षिणी भाग में आता था पहले इस क्षेत्र को हम लोग दक्षिणी बिहार कहते थे ठीक है अब देखिए झारखंड राज्य की अगर हम बात करें बिहार से अलग होने के पीछे क्या कारण रहे आखिर कौन से कारण रहे जिससे झारखंड राज्य को बिहार से अलग किया गया तो अलग करने के पीछे कई रीजंस होते हैं एक तो रीजन ये होता है कि भाषाई आधार पर जैसे दक्षिण भारत में जो राज्यों का विभाजन हुआ है महाराष्ट्र गुजरात का विभाजन हुआ है उसमें मेन फैक्टर क्या है भाषाई आधार है लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है झारखंड में अगर झारखंड राज्य अगर बिहार से अलग हुआ है तो इसके पीछे जो मुख्य आधार है वो यहाँ की संस्कृति यहां का कल्चर यहां का जो भौगोलिक परिवेश है वो बिहार से बिल्कुल अलग है अगर आप बिहार से झारखंड के भौगोलिक परिवेश की तुलना करिएगा तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि ये जो हमारा झारखंड राज्य है भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार से बिल्कुल अलग है कहा बिहार मैदानी क्षेत्र है जहां कृषि एक अच्छी खासी मात्रा में होती है वही हमारा झारखंड एक पठारी भूभाग होने के कारण कृषि में पिछड़ा है झारखंड राज्य में जनजातियों की आबादी बहुत अधिक है झारखंड राज्य की बात करें तो लगभग 26 प्रतिशत आबादी यहां पे जनजातियों की है तो एक बहुत बड़ा कारण बिहार राज्य से अलग होने का झारखंड का यह रहा कि यहां के लोगों को संयुक्त बिहार राज्य में वो अधिकार नहीं मिल पा रहे थे जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था वो प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पा रहा था जो प्रतिनिधित्व तो उन्हें मिलना चाहिए था तो एक लंबी लड़ाई चली ये लड़ाई आप कह सकते हैं कि वर्ष 1912 में शुरू हो गई थी लेकिन 1940 आते आते यह लड़ाई तेज हो गई बीच में जब झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ तो फिर से यह लड़ाई थोड़ी कमजोर पड़ी लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना के बाद से फिर से यह लड़ाई तेज हो गई और अंततः यह लड़ाई तब रुकी जब झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हो गया तो पूरा कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों कि झारखंड के लोगों का प्रतिनिधित्व बिहार राज्य में उतना नहीं मिल पा रहा था जितना यहां का क्षेत्रफल है जितना यहां की आबादी है, है ना और यहाँ और बिहार का जो कल्चर है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि हमारे यहाँ जनजातीय कल्चर है हमारे यहाँ 26 प्रतिशत की जनजातीय आबादी है यहाँ पे कृषि की संभावना कम है क्योंकि पठारी भूभाग है तो बहुत सारे कारण रहे हैं जिसके कारण अलग झारखंड राज्य की मांग उठी और 15 नवंबर दो हज़ार ईस्वी को झारखंड राज्य अलग राज्य बन के उभरा ठीक है तो चलिए हम लोग एक एक करके बात शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग जानने का ये प्रयास करते हैं कि झारखंड राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई ठीक है चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं झारखंड राज्य की स्थापना झारखंड राज्य की स्थापना ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि 15 नवंबर दो हजार ईस्वी को बिहार के 46 प्रतिशत 46 प्रतिशत जो है दक्षिणी भूभाग दक्षिणी भूभाग को पृथक करके पृथक करके नए राज्य झारखंड नए राज्य झारखंड का गठन भारत संघ के भारत संघ के अट्ठाईसवें राज्य के रूप में हुआ रूप में हुआ ठीक है समझ में आ गया आप लोग को कि बिहार राज्य जो था उसी का दक्षिणी भूभाग का 46 प्रतिशत हिस्सा को पृथक करके नए राज्य झारखंड का गठन भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में किया गया ठीक है अब जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ दोस्तों है ना राज्य गठन के समय अगर हम बात करें कि कितना तो बिहार राज्य के बिहार राज्य के अठारह जिलों को बिहार राज्य के अठारह जिलों को चार प्रमंडलों को चार प्रमंडलों को अलग करके अलग करके नया राज्य झारखंड बना नया राज्य क्या बना झारखंड बना ठीक है समझ पा रहे हैं आप लोग ये देखिए बेसिक क्लास चल रहा है इसके बीच में आप लोग इधर उधर के कमेंट मत कीजिए ठीक है ये क्लासेस जो हैं जेपीएससी के हैं और जेपीएससी रिलेटेड जो हैं ये कोई कमेंट्स हैं वो कर सकते हैं है ना बाकी कमेंट्स का जवाब मैं अभी फिलहाल नहीं दे पाऊंगा ठीक है तो बिहार राज्य का कितना तो यह बात ध्यान रखना आप लोगों को कि बिहार राज्य का उस समय का जो अठारह जिला था और बिहार राज्य का जो चार प्रमंडल था इन्हीं चार प्रमंडलों के अठारह जिलों को अलग करके नया राज्य झारखंड बनता है और इस राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं प्रथम मुख्यमंत्री जो इस राज्य के बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं कौन बाबूलाल मरांडी बाबूलाल मरांडी जो हैं, वो झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं और प्रथम राज्यपाल जो बनते हैं प्रथम जो राज्यपाल बनते हैं वो बनते हैं प्रभात कुमार कौन बनते हैं दोस्तों प्रभात कुमार झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल बन जाते हैं ठीक है क्लियर हो गया आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं ये बिल्कुल नए स्टूडेंट्स के लिए है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं जो जेपीएससी में अटेम करना चाहते हैं ये बिल्कुल नए स्टूडेंट के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं इसको स्टार्ट किया हूं ठीक है तो बिल्कुल इसको जो तैयारी शुरू किए हैं उनके लिए है वो इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें बाकी जिनका भी हाल फिलहाल में एग्जाम है उनके लिए क्लास नहीं है ठीक है अब देखिए आपको मैंने बताया कि 18 जिलों को अलग करके चार प्रमंडलों को अलग करके झारखंड राज्य का गठन हो जाता है ठीक है अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि झारखंड राज्य के गठन के समय जो 18 जिले थे झारखंड राज्य के गठन के समय जो 18 जिले थे और बाद में जो नए जिले ऐड हुए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं ठीक है तो दोस्तों झारखंड गठन के समय कितने जिले थे अठारह जिले थे ठीक है नए जिले कौन कौन से ऐड हुए हैं नए जिले कौन कौन से ऐड हुए हैं कितने जिले ऐड हुए हैं तो छह जिले ऐड हुए हैं नए जिले कितने ऐड हुए हैं छह जिले जो है वो नए जिले ऐड हुए हैं ये छह जिले कौन कौन से हैं दोस्त ये छह जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं तो आपको बता दें कि जो नया जिला ऐड हुआ है एक है आपका लाते हार लातेहार जो कि पलामू से अलग हुआ पलामू से अलग हुआ ठीक है फिर आपका सरायकेला खर्चा सराय के लखरसावा किससे अलग हुआ पश्चिमी सिंहभूम से किससे पश्चिमी सिंहभूम से फिर सिमडेगा किससे हुआ दोस्त सिमडेगा जो अलग हुआ वो गुमला से हुआ ठीक है उसके बाद जामताड़ा अलग हुआ जामताड़ा एक नया जिला बना है बाद में यह किससे हुआ यह हुआ दुमका से ठीक है यह जो चार जिले मैंने आपको बताए ये चार जिले 2001 में अलग हुए ठीक है ये चार जिले 2001 में अलग हुए 2007 में दो और नए जिलों का गठन होता है ठीक है एक होता है आपका खूंटी जो कि रांची से होता है अलग और दूसरा होता है क्या रामगढ़ ये किससे अलग हुआ तो हजारीबाग से ठीक है तो इस तरह से अब झारखंड में जिलों की संख्या कितनी हो गई वर्तमान में कितनी हो गई यानी 2007 के बाद दो हजार सात के बाद कितने जिले हो गए चौबीस जिले हो गए 2007 के बाद कितने जिले हो गए 24 जिले हो गए एक नया परमंडल भी बना है दोस्तों एक नया परमंडल भी बना है जिसका नाम क्या है कोल्हान परमंडल। ठीक है और जिसका हेडक्वार्टर कहां है चाईबासा में ठीक है मैं नोट्स प्रॉपर दूंगा आप लोग ज्यादा फोकस कीजिए कि थोड़ा रफली आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए और जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं ना वैसे बिल्कुल पढ़ने का प्रयास कीजिए कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं ठीक है इस क्लास की यही विशेषता होगी कि ये जो पूरी झारखंड जीके की क्लास चलेगी जेपीएससी सिलेबस को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए चलेगी और इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट्स भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये क्लासेस ऐप में दस बजे से डेली पांच दिन हफ्ता में पांच दिन चलेगी और लाइव चलेगी ठीक है तो लाइव क्लासेस देखिएगा तो कमेंट पूछ सकते हैं बाद में आप डिस्कशन ग्रुप के अंदर भी आप कमेंट्स करके डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं ठीक है तो आपने देखा कि किस प्रकार से झारखंड राज्य जिस समय पंद्रह नवंबर को गठित हुआ था दो को उस समय झारखंड में कितने जिले थे अठारह जिले थे लेकिन अब झारखंड में 24 जिले हो गए हैं कब से 2007 हजार ईस्वी से झारखंड में 24 जिले हो गए हैं पहले चार परमंडल था पांचवा परमंडल के तौर पर कौन बना है कोल्हान परमंडल बना है पहले कोल्हान परमंडल जो है ना ये पहले जो है ना ये पहले दक्षिणी छोटा नागपुर का हिस्सा था ये पहले दक्षिणी छोटा नागपुर का हिस्सा था ठीक है पहले जो है कोल्हान परमंडल किसका हिस्सा था दक्षिणी छोटा नागपुर का हिस्सा था यानी ये जो पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सराय केला खरसावा ये जो आप डिस्ट्रिक्ट देख पा रहे हैं ये पहले कोल्हान प्रमंडल जब नहीं बना था उस समय ये किसका हिस्सा था ये उस समय दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता था ठीक है 2009 में कोल्हान प्रमंडल के गठन के बाद ये तीन जिले जो हैं किस किसमें चले गए ये तीन जिले जो हैं वो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत चले गए तो अब झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है अब झारखंड में प्रमंडलों की संख्या जो हो गई है पांच हो गई है ठीक है बात समझ में आ गया चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग बातचीत शुरू करते हैं है ना देखिए अगर हम बात करें झारखंड के पांचों प्रमंडलों की जो कि आज बेसिक क्लास है सामान्य परिचय का मैंने बताया आप लोग को कि इसकी चार से पांच क्लासेस चलेगी जिसमें एक में हम लोग पूरा मानचित्र को डिस्कस करेंगे एक जो क्लास होगी उसमें हम लोग जो है राजनीतिक परिचय को पूरी तरह से देखेंगे एक में पूरा भौगोलिक परिचय देखेंगे मानचित्र वाले क्लास में है ना आज हम लोग इन्हीं प्रमंडलों के बारे में जान लेते हैं बिल्कुल आज बिल्कुल सामान्य सा बेसिक सा क्लास है और स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि स्थापना कब हुई है ना किस प्रकार से स्थापना हुई इसकी कहानी आपने जाना अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं झारखंड के पांचों प्रमंडल के विषय में ठीक है किसके बारे में झारखंड के मैप के थ्रू अभी हम आप लोग को याद करवाएंगे झारखंड के पांच प्रमंडल झारखंड के पांच प्रमंडल ठीक है देखिए इसको आपको मैप के थ्रू थोड़ा सा हम समझा देते हैं फिर हम यहां पर पहले लिखवा देते हैं फिर आपको मैप के थ्रू समझा देंगे तो जो झारखंड के पांच प्रमंडल हैं साथियों वो कौन कौन से हैं बता सकते हैं क्या आप लोग क्यों नहीं बता सकते हैं बिल्कुल बता सकते हैं ये जो पांच प्रमंडल झारखंड के हैं एक हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर ठीक है। दूसरा हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर अभी मैप से भी समझा देंगे आप लोग को दक्षिणी छोटा नागपुर तीसरा हो गया संथाल परगना चौथा जो है वो है कोल्हान परमंडल और पांचवा जो है वो है पलामू परमंडल ठीक है तो झारखंड में पांच परमंडल कौन कौन से हैं उत्तरी छोटा नागपुर हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया आपका संथाल परगना कोल्हान और पलामू परमंडल अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि कौन से बात करूं तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ठीक है उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और पलामू प्रमंडल जो है यह सबसे छोटा है सबसे छोटा है ठीक है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है मुख्यालय है वो कहां है हजारीबाग में है। इसका मुख्यालय कहां है हजारीबाग में है जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहां है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा रांची में अभी मैप से हम समझा देंगे सब याद हो जाएगा ठीक है संथाल प्रगना का मुख्यालय कहां है दोस्तों इसका मुख्यालय कहां है इसका मुख्यालय है दुमका, ठीक उसी तरह से कोल्हान का मुख्यालय हेडक्वार्टर लिख रहा हूं ठीक ना कोल्हान का हेडक्वार्टर चाईबासा, चाईबासा इसका हेडक्वार्टर हो गया ठीक है कोई ब्लर तो नहीं कर रहा है आप लोग का क्लियर दिख रहा है ना कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है आप लोग को चाय बासा हो गया इसका और पलामू परमंडल का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है पलामू परमंडल का जो हेडक्वार्टर है वो पड़ेगा आपको मेदनी नगर में कहां पड़ जाएगा मेदनी नगर में पड़ जाएगा ठीक है तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्त देखो मैं छोटा सा एक मैप बना करके आप लोग को थोड़ा सा स्पष्ट करने का कोशिश करता हूँ फिर हम लोग जिलों के बारे में बात करेंगे ठीक है ध्यान से यहाँ देखिए मैं छोटा सा एक मैप जो है यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा हूँ ये मान लेते हैं कि झारखंड का एक छोटा सा मैप मैंने यहां पर डिजाइन कर दिया है ठीक है तो ये जो भाग है पलामू लातेहार और गढ़वा ठीक है पलामू लातेहार और गढ़वा ये आपका क्या हो गया ये हो गया आपका पलामू परमंडल ठीक है ये क्या हो गया पलामू परमंडल यहां पर यानि झारखंड का जो उत्तर पश्चिम छोर है यहां पे आपको पलामू परमंडल देखने को मिल जाएगा ठीक है जो उत्तरी छोटा नागपुर है दोस्तों वो कुछ यहां से शुरू होती है और ये काफी बड़ा परमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर ठीक है उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें अभी मैं ओरिजिनल मैप में भी आपको बता दूंगा ये उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल है ठीक है फिर आ जाइए तो यहां पे जो है ये जो प्रमंडल है ये है संथाल परगना इसमें कुछ जिले इधर उत्तरी छोर नागपुर के भी हैं ये है संथाल परगना यानी झारखंड का उत्तर पूर्वी छोर जो है वो क्या है संथाल परगना का हिस्सा है फिर यहां से लेकर के कुछ इस प्रकार से है ना इसमें गुमला सिमडेगा रांची खूंटी है ना लोहरदगा ये सब आ जाएगा ये है दक्षिणी छोटा नागपुर ठीक और बाकी जो ये पार्ट बच गया ये क्या हो गया कोल्हान प्रमंडल छोटे से मैप से मैंने आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया कि यह हो गया पलामू प्रमंडल यहां पर जो बिहार के बॉर्डर से ज्यादातर जिले सटे हुए हैं साथ ही साथ यहां रामगढ़ धनबाद बोकारो जो कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से सटे हुए हैं ये हो गए आपके कौन से प्रमंडल उत्तरी छोड़नागपुर दक्षिणी छोड़नागपुर प्रमंडल के जो जिले हैं जिसमें गुमला हो गया सिमडेगा हो गया लोहरदगा हो गया गुमला सिमडेगा तो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं लोहरदगा किसी से के साथ नहीं लगा हुआ है खूंटी किसी के साथ नहीं लगा हुआ है है ना और रांची ये हो गया आपका दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल के तीनों के तीनों जिले जो हैं इसमें दो जिले जो हैं आपके लगे हुए हैं पश्चिम बंगाल से ये दो जिले जो है उड़ीसा से भी लगे हुए हैं और जो पश्चिमी सिंहभूम है वो उड़ीसा से लगा हुआ है ये मैं डिटेल में भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद जब मैं पूरा ओपन मैप को समझाऊंगा ठीक है चलिए तो ये पांच प्रमंडल आप लोग को याद हो गया उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसका हेडक्वार्टर है हजारीबाग दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसका हेडक्वार्टर है रांची तीसरा जो है संथाल परगना प्रमंडल जिसका हेडक्वार्टर दुमका में पड़ता है कोल्हान का चाईबासा पड़ता है और पलामू प्रमंडल जो कि झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ जाता है दोस्तों मेदनी नगर में पड़ जाता है सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा हो गया उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल हो गया अगर मैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करूं ठीक है यहां तक कोई दिक्कत कमेंट कीजिए यहां तक किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो बताइए नहीं है ना चलिए अब हम इन परमंडलों के जिलों को भी डिस्कस करेंगे या आप लोग को मोटा मोटी आइडिया हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं लेकिन एक बार मैं सोच रहा हूं कि आप लोग को मैप दिखा ही दू ओरिजिनल वाला उसके बाद ही डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस करूं ठीक है तो देखिए मैप दिखाने का मैं आप लोग को प्रयास करता हूं झारखंड का मैप अगर हम देखें वेट वेट अ मिनट तब तक आप लोग इसको देखते रहिए हम्म ठीक है चलिए तो हम लोग मैप से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों मैप से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं झारखंड के विभिन्न प्रमंडलों और जिलों को ठीक है देखिए ये मैंने आपके सामने एक झारखंड का मानचित्र रख दिया है ठीक है दिख रहा है सबको झारखंड का मानचित्र रख दिया है इसमें मैं थोड़ा सा इसमें काम कर रहा हूं देखिएगा ध्यान से जो पांच प्रमंडल मैंने आपको बताए हैं इसमें से यहां आप देख सकते हैं मैं इसको बाउंड्री लाइन दे रहा हूं यह चतरा जिला है चतरा के बाद यह हजारीबाग जिला है हजारीबाग के बाद यह रामगढ़ है आपका बोकारो है और धनबाद जिला है ठीक है इसको इस तरह से हम और ये हो गया आपका कौन सा जिला गिरिडीह जिला यहां से लेकर के यहां तक इसको मैं कलर करके बता दे रहा हूं किसी एक कलर से ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो है क्या है उत्तरी छोटा नागपुर है उत्तरी छोटा नागपुर ठीक है ये उत्तरी छोटा नागपुर हो गया समझ गया समझ गया आप लोग ये वाला जो आप देख रहे हैं पूरा जो यहां पर मैंने बाउंड्री के थ्रू घेरा है ये क्या हो गया ये आपका हो गया उत्तरी छोटा नागपुर इसको मैंने पूरी तरह से चौकोर कर चौखाना इसमें बना दिया है मैंने ठीक है अब देखो यहां से आपको एक और प्रमंडल दिख रहा होगा ये वाला ये जो बिल्कुल बाहर निकला हुआ है मतलब यहां से लेकर के पूरा यहां तक ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा प्रमंडल है बताइए कौन सा है दोस्तों यह है आपका संथाल परगना संथाल परगना ठीक है संथाल परगना में कौन कौन से जिले आ गए यहाँ पे हो गया साहेबगंज ये हो गया आपका पाकुड़ ये हो गया आपका गोड्डा ये हो गया दुमका ये है जामताड़ा और ये है देवघर ठीक है नोट्स में प्रॉपर दूंगा आप लोग नोट्स की चिंता बिल्कुल ना करें जो भी ऐप में जुड़े हुए हैं जैसा मैंने मैसेज में भी लिखा था आप लोग को कि जो झारखंड जीके का योद्धा बैच में जुड़े हुए हैं पहले से उनको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है ये नए वीडियो सब अपडेट होंगे उसके अंतर्गत ठीक है और उसी में आपको नए नोट्स भी मिलेंगे पूरी तरह से अपडेटेड नोट्स मिलेंगे या इलेवन जेपीएससी में ज्वाइन किए हुए तो उसमें भी जो झारखंड जीए का पोर्सन है उसमें आपको मिलेंगे ठीक है तो ये हो गया संथाल परगना परमंडल जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है दुमका ये दुमका मैंने लिखा है यहां पर आपका गोड्डा जिला है ये हो गया आपका क्या साहेबगंज साहेबगंज जिला ये पाकुड़ हो गया और यह हो गया देवघर यह हो गया आपका जामताड़ा जामताड़ ठीक है कोई दिक्कत यहां तक अब देखिए एक और मैं यहां पर घेरा बनाने जा रहा हूं इसको भी ध्यान से आप लोग देखिएगा यह जो मैं घेरा बना रहा हूं जिसमें आ जाता है लातेहार पलामू और गढ़वा यानी ये वाला पोर्शन इसको मैं बिंदु बिंदु करके दिखा दे रहा हूं ठीक है ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या है पलामू प्रमंडल है पलामू प्रमंडल ठीक ये पलामू प्रमंडल हो गया उसके बाद ये तीन जिला का जो प्रमंडल है पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम और सराय किला खरसावा यह हो गया आपका कोल्हान प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल ठीक है ये क्या हो गया कोल्हान प्रमंडल हो गया और बच गया क्या ये वाला पोर्शन तो ये पूरा पोर्शन जो है ये क्या है दक्षिणी छोटा नागपुर दक्षिणी छोटा नागपुर इसमें आपका आ गया कौन कौन सा एक तो ये रांची हो गया ये हो गया आपका लोहरदगा जो पूरी तरह से सभी ज़िलों से सटा हुआ है कोई भी राज्य से सटा हुआ नहीं है ये गुमला ज़िला हो गया काफ़ी बड़ा जिला है गुमला और ये है सिमडेगा समझ पा रहे हैं आप लोग ये सिमडेगा हो गया ये गुमला हो गया ये हो गया लोहरदगा और ये है रांची इन इन जिलों को मिलाकर के ये खूंटी ये पांच जिलों को मिलाकर के क्या बन गया दक्षिणी छोटा नागपुर का प्रमंडल ठीक है क्या बन गया दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल कोई दिक्कत अब चलिए हम लोग इन पांचों प्रमंडलों को डिवाइड कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि इन पांच प्रमंडल जिसके हेडक्वार्टर मैंने अभी आपको बताए इस क्लास में शुरू में ये देखिए पांचों प्रमंडल का तो इन जिलों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और जानकारी नहीं पूरी तरह से दिमाग में याद होना चाहिए कि कौन कौन सा जिला इसके अंतर्गत आता है हालांकि मैंने मैप में तो बता ही दिया इसको अब लिख करके मैं आपको बता दे रहा हूं ठीक है ध्यान से देखिएगा तो जो पांच प्रमंडल है सबसे पहले किसकी चर्चा हुई उत्तरी छोटा नागपुर उत्तरी छोटा नागपुर इस उत्तरी छोटा नागपुर की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाते हैं इसके अंतर्गत एक हजारीबाग जिला आ जाता है हजारीबाग जो खुद इसका क्या है हेडक्वार्टर भी है चतरा है ना फिर आपका हो गया कोडरमा कोडरमा फिर ले लीजिए गिरिडीह फिर धनबाद बोकारो और रामगढ़ ठीक है ये हो गया हजारीबाग चतरा कोडरमा गिरिडीह धनबाद बोकारो और रामगढ़ ठीक उसके बाद आ जाइए दूसरा किसकी बात कर रहे हैं दक्षिणी छोटा नागपुर की दक्षिणी छोटा नागपुर इस दक्षिणी छोटा नागपुर की चर्चा अगर हम करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों एक तो हो जाता है रांची जो खुद क्या है हेडक्वार्टर है ठीक है दूसरा हो गया आपका क्या गुमला काफी बड़ा जिला ये भी गुमला फिर लोहरदगा लोहरदगा फिर क्या हो गया सिमडेगा जिसका गठन झारखंड निर्माण के बाद हुआ है और खूंटी इसका भी गठन झारखंड निर्माण के बाद हुआ है तो पांच जिले आपके आ गए किसके अंतर्गत दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत ठीक है फिर कौन सा संथाल परगना संथाल परगना इस संथाल परगना की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा इसमें दुमका हो गया इसका हेडक्वार्टर दुमका क्या हो गया हेडक्वार्टर हो गया फिर देवघर को ले लीजिए साहिबगंज गोड्डा पाकुड़ और जामताड़ा पे फिल्म भी बन चुकी है वेब सीरीज है ना दुमका देवघर साहिबगंज गोड्डा पाकुड़ और जामताड़ा ये छह जिले हो गए यानी इसमें कितने जिले हो गए इसमें कितने जिले हो गए दोस्तों इसमें हो गए पांच जिले कितने जिले हो गए इसमें पांच जिले इसमें कितने हो गए सात जिले इसमें कितने हो गए छह जिले इसके अंतर्गत आ गए ठीक है उसके बाद आपका कोल्हान परमंडल कोल्हान की बात करें साथियों तो कोल्हान परमंडल के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो कौन कौन से आते हैं सबसे इसमें बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभू और सरायकेला खरसावा सरायकेला खरसावा ये तीन जिला हो गया किसके अंतर्गत कोल्हान के अंतर्गत इसमें कितने जिले हो गए तीन जिले हो गए ठीक है अंतिम में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी पलामू परमंडल की इसकी बात कर रहे हैं पलामू की तो पलामू परमंडल जिसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया मेदनी नगर में इसकी बात करें तो एक तो हो गया पलामू यानी कि आपका पलामू जिला एक हो गया दूसरा क्या हो गया गढ़वा और तीसरा हो गया लाते हार ठीक है ये तीन जिला आपका इस परमंडल के अंतर्गत भी आ गया तो आपने देखा पांचों परमंडल को इस तरह से मैंने मैप में आपको दिखाया समझाया याद भी आपको हो गया होगा कि ये आपका देवघर है दुमका है गोड्डा है साहेबगंज है पाकुड़ है जामताड़ा है इन छह जिलों को मिलाकर के संथाल परगना परमंडल का गठन हुआ है और इसका हेडक्वार्टर दुमका में है यहाँ पर चतरा हजारीबाग कोडरमा गिरिडीह धनबाद बोकारो रामगढ़ इन सब जिलों को मिलाकर के उत्तरी छोड़नागपुर का गठन हुआ है इसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में है पलामू गढ़वा लातेहार तीन जिलों को मिलाकर के पलामू परमंडल है इसका हेडक्वार्टर मेदनी नगर में है मेदनी नगर में है ठीक है सिमडेगा लोहरदगा रांची खूंटी और गुमला ये पांच जिलों को मिलाकर के दक्षिणी छोटे नागपुर बना है जिसका हेडक्वार्टर रांची में है और पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला के इन तीन जिलों को मिलाकर के कोल्हान प्रमंडल बना है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है चाईबासा में चाई बासा में इस तरह से आपने देखा कि पांचों प्रमंडल को किस तरह से मैप के थ्रू डिवाइड किया गया है, है ना और इन पांचों परमंडल का हेडक्वार्टर भी आपने देख लिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रफल में सबसे छोटा पलामू परमंडल इसका हेडक्वार्टर हजारीबाग दक्षिणी का रांची संथाल परगना का दुमका कोल्हान का चाईवासा पलामू का जो है हेडक्वार्टर मेदनी नगर में है ये यहाँ पर मैप में भी मैंने दिखाने का प्रयास किया ठीक है तो इंट्रोडक्शन जो क्लास है दोस्तों यानी कि जो झारखंड का सामान्य परिचय है उसमें आज के इस सेक्शन में आज के इस सेशन में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से झारखंड राज्य का गठन होता है झारखंड राज्य बिहार के 46 प्रतिशत भूभाग को अलग करके नया राज्य बनाया जाता है और उस समय इसमें 18 जिले हुआ करते थे चार परमंडल हुआ करते थे नया जिला जो बना है उसकी भी हमने चर्चा की प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बनाए जाते हैं प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार बनाए जाते हैं और भारत संघ के अट्ठाईसवें राज्य के रूप में झारखंड का गठन हो जाता है ठीक है तो इस क्लास में इतना ही अब अगले क्लास में हम लोग सामान्य परिचय के दूसरे सेक्शन को हम लोग देखेंगे और हम लोग उसमें झारखंड के राजनीतिक परिचय के बारे में जानेंगे आज हमने प्रशासन प्रशासनिक परिचय को देख लिया किस प्रकार से झारखंड के प्रशासन को चलाने के लिए प्रमंडल का विभाजन जिलों के रूप में किया गया है हालांकि प्रशासनिक परिचय अलग से भी देखेंगे जिसमें हम आपको प्रखंडों की संख्या जिलों की संख्या अनुमंडलों की संख्या सब बताएंगे उस सेशन में तो अगला जो टॉपिक रखते हैं हम लोग वो रखते हैं झारखंड का राजनीतिक परिचय ठीक है और इसकी क्लास कल होगी कल भी आपको ये क्लास यूट्यूब और साथ ही साथ ऐप पर भी मिलेगी है ना और ये चैप्टर लगभग चार से पांच क्लास का होगा और चारों पांचों क्लास का मिला करके पी मिलेगा आपको ऐप में झारखंड जी के योद्धा बैच में और इलेवन जेपीएससी पीटी बैच में ठीक है चलिए तो आपको क्लास कैसा लगा बताइए कमेंट करके चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगर आप लोग हमारी ग्यारहवीं जेपीएससी के साथ जुड़ना चाहते हैं तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो झारखंड की सर्वश्रेष्ठ टीम आप सभी के समक्ष है आप इनके साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं करियर फाउंडेशन के माध्यम से करियर फाउंडेशन ऐप में आपको जुड़ना होगा अब करियर फाउंडेशन ऐप के अंदर डिस्कशन ग्रुप भी आ चुका है एक नया फीचर और उसमें आपको लाइव क्लासेस भी अब लगातार मिल रही है ठीक है भाई तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय